रियल लाइफ में कैसी हैं। तो देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पर्दे पे देखते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और होता है, तो रियल लाइफ में मेरी और मिश्री यानी श्रुति की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। ये तो मिश्री का परिवार है, लेकिन अगर किसी भी परिवार में अगर हम रियल लाइफ में भी अगर ये देखते हैं कि संभ्रांत परिवार है बिल्कुल, और जिसमें एक ऐसा पोता है पढ़ा लिखा बिल्कुल संभ्रांत परिवार है, उसमें अगर कोई लड़की इस तरीके की गंवार लड़की अगर बहू बन के आ जाए तो कैसा लगता है। नमस्कार, मैं मीना नेथानी मिश्री से, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टेशन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रियल लाइफ में कैसी हैं। तो देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पर्दे पे देखते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और होता है, तो रियल लाइफ में मेरी और मिश्री यानी श्रुति की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्यार श्रुति को करती हूँ और बहुत प्यारी है, हम में बहुत प्यार है आपस में। इसके लिए मैं बिहाइंड द सीन्स भी डालती रहती हूँ, पर्दे के पीछे करके कुछ पिक्चर्स भी डालती रहती हूँ। तो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा लगता है हमें काम करने में साथ में, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो जाती है। इससे क्या होता है, जब आपकी बिहाइंड द स्क्रीन रिलेशनशिप अच्छी होती है तो आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, कि सामने पर्दे पे काम करने में बहुत सहूलियत होती है। रील लाइफ में देखिए, रील लाइफ में तो जहाँ तक लग रहा है कि मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कभी रील लाइफ में, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा गुस्सा है और अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हमेशा कुछ इस तरीके की परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जा रही हैं कि हमेशा लगता है जैसे मिश्री ने किया, हमेशा लगता है मिश्री गलत है। तो हमेशा इस तरीके की परिस्थिति होने की वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जाता है। तो रियल लाइफ में तो शायद उसको दादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब किसी भी परिवार में, ये तो मिश्री का परिवार है, लेकिन अगर किसी भी परिवार में अगर हम रियल लाइफ में भी अगर ये देखते हैं कि संभ्रांत परिवार है बिल्कुल, और जिसमें एक ऐसा पोता है पढ़ा लिखा बिल्कुल संभ्रांत परिवार है, उसमें अगर कोई लड़की इस तरीके की गंवार लड़की अगर बहू बन के आ जाए तो कैसा लगता है, कैसा लगेगा। अब समाज में इज्जत होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, तो किसी को भी कैसा लगेगा। इसीलिए मिश्री की जो ददिया सास है उनको ऐसे ही लगता है, यानी कि मुझे बहुत ख़राब लगता है कि ये लड़की तो हमारे घर में नौकरानी, हमारी नज़र में तो वो नौकरानी ही है ना, नौकरानी बन के आई, और इससे अब पता लग रहा है कि इसकी शादी करी हुई है, जिन भी हालात में करी, जो भी परिस्थिति रही, लेकिन शादी तो हुई है, तो लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अंदर से नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। हम बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन इससे पहले आपने अगर देखा होगा तो वो बोल चुका है कि ऐसी परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि मुझे मजबूरी के तहत जो है वो शादी करनी पड़ी, उसको शादी करनी पड़ी। तो गुनहगार तो वो है, लेकिन ये इस बात को हमने फिर वो किया कि चलो ठीक है, वो कहती जिस भी परिस्थिति में तूने शादी करी, लेकिन है कि फिर तू, लेकिन मेरे बराबर में इसको नहीं रख सकता, मैं इसको बहू नहीं एक्सेप्ट कर सकती अपनी। ये तो मतलब सिर्फ मीना नेथानी बोल सकती, लेकिन दादी नहीं बोल सकती कि आगे क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आगे क्या सिचुएशन होती है कि दादी को उसको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये तो हमें भी नहीं पता है, अभी कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। नमस्कार, मैं मीना नेथानी मिश्री से, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टेशन।